हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिक लेवन के में। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो आज मैच होने वाला है, नेक्स्ट मुकाबला हमारा खेला जाएगा जेसीआर रीजन का आज के दिन का मैच नंबर 3 जो होने वाला है पीआरबी वर्सेस यहाँ पर एमसीसी के बीच में। इस मैच की मैं अगर बात करूँ, अगर आप भी इस मैच में ड्रीम 9 की बेहतरीन टीम बनाकर तगड़ी विनिंग करना चाहते हैं तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखना। इस मैच से जुड़े आपको सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चाहे मेरे भाई स्मॉल लीग की टीम आप बनाओ, चाहे आप यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, दोनों ही कंसर्न में आपके वीडियो बहुत काम आने वाली है। बस आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना है, प्रॉपर नॉलेज आपको देके चलूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ मैं आपको कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि आफ्टर टॉस के बाद जो भी अपडेट आते हैं, जैसे ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर आ गए, मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से शेयर कर देता हूँ। कोई नया प्लेयर खेलता है ना, मैं उसके रिकॉर्ड इस प्रकार से आपको शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ जो मेरी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग जो फाइनल टीम आती है ना, आपको यहीं पर देखने को मिलती है। जुड़ने के लिए करना क्या है, जाइए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपको टॉप में पिन किया पहला लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री में ही दे करके चलता हूँ। अब देखिए इस मैच की हम बात करेंगे टीम एंड कॉम्बिनेशन को लेकर के। चाहे स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, चाहे ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, फोकस करना कि और प्लेयर के सिलेक्शन पे किस प्रकार से आपको सिलेक्शन करके चलना है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर हम बात कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग ऑर्डर को लेकर के, तो बैटिंग ऑर्डर को ध्यान दोगे पीआरबी की तरफ एक तरफ है और एमसीसी की टीम एक तरफ आपको देखने को मिलेगी। पहले एक टीम का समझो, बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो डी सिंह आपको ओपनिंग करेंगे एम साई वदर्सी के साथ में। नंबर 3 पर आएंगे एच मेधत रहेंगे। नंबर 4 पर आएंगे पी गनप्पा। नंबर 6 पर टी कन्हैया लाल, त्रिपुरारी कन्हैया लाल, ठीक है, एन पांड्या रहेगा, ए हमदेव रहेगा, इसके लिए यहाँ पर वी मैजू शेट्टी, एम पुरोहित, पी विसित रहेगा, यहाँ पर के भटनाकर। तो मेरे भाई ये बैटिंग ऑर्डर रहेगी। अब इनकी टीम से ये जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, इसमें कौन पूरे 2 ओवर की बॉलिंग करके आपको देगा ये समझो आप। क्वालिटी नहीं दिख रही है, क्वालिटी बढ़ा लो। आपको बताना चाहूँगा, देखिए इनकी टीम से प्रॉपर बता दूँ कौन कितने ओवर की बॉलिंग करके देगा, किसको 2 ओवर की बॉलिंग पूरी मिलती है। तो एम साई वदर्सी आपको 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करके देगा। दूसरा प्लेयर रहेगा टी कन्हैया लाल, आपको 2 ओवर की पूरी बॉलिंग करके देगा। तीसरा प्लेयर रहेगा ए नाम हमदेव, जो कि आपको पूरे ओवर की बॉलिंग करके देगा। और यहाँ पर रहेगा एम पुरोहित, जो कि आपको पूरे ओवर की बॉलिंग करने विशेष हो गया, ये आपको पूरे ओवर की बॉलिंग करके देगा। यानी ओवरऑल पाँचों के पाँचों बॉलर आपको यहाँ पर दिखा दिया मैंने, जो कि अच्छे खासे ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं। ये 5 मेन बॉलर आपको पूरे 10 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्ट टाइम ग्रुप में बॉलिंग करना होगा, एन पांड्या को बॉलिंग मिलती है 1-2 ओवर की, के भटनाकर को कभी कभार बॉलिंग मिल जाती है। आपको ये मान के चलना है कि भाई इनकी टीम से ना एम साई वदर्सी हो गया, यहाँ से ना टी कन्हैया लाल हो गया, हमदेव हो गया, यहाँ से देखोगे पुरोहित हो गया, पी विसित, ये इनके मेन बॉलर है, 5ों इनके मेन बॉलर। अगर पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करते हैं फिर कोई नहीं करेगा। अगर किसी को पार्ट टाइम के रूप में बॉलिंग मिलनी होगी तो एन पांड्या को, यहाँ पर के भटनाकर को मिल सकती है। अगर बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में, ध्यान समझ लो इनकी टीम से बैटिंग ऑर्डर को देखो। पी जसपाल आपको ओपनिंग करेंगे ए पारेकर के साथ में। नंबर 3 पर आएंगे यहाँ पर एस रामामूर्ति। नंबर 4 पर आएंगे ओ शर्मा। नंबर 5 पर देंगे यहाँ पर भी नजरे कटिल। नंबर 6 पर आएंगे एम सिंह। डी संदरवन रहेंगे, इसके लिए पी यादव रहेंगे, आप पी कोसी रहेंगे, इसके लिए के कामले रहेंगे, यहाँ पर टी कुमार। तो मेरे भाई ये बैटिंग ऑर्डर इनकी रहेगी। अब इनकी टीम से बैटिंग ऑर्डर तो आपने देख लिया, अगर बात करें बॉलिंग को लेकर के, कौन पूरे ओवर की बॉलिंग करता है तो ध्यान से देखना। पहले तो ये 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे पारेकर, 2 ओवर की बॉलिंग ओ शर्मा कंफर्म रहेगा, कोई ओवर नहीं कर सकता। एम सिंह आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, इसके लिए पी यादव को 2 ओवर की बॉलिंग मिलती है। अगर बात करें ये जो आपको दिख रहे हैं ना, आपको 8 ओवर ये कंफर्म रहेंगे। इसके अलावा जो 2 ओवर बच गए मेरे भाई, वो कौन करता है, तो वो करता है भाई साहब पी कोसी, इसके लिए कामले, ये मिलकर आपस में बांटते हैं। लेकिन लास्ट मुकाबले क्या हुआ, यहाँ पर कोसी को बॉलिंग ना दे करके इनको 1 ओवर की बॉलिंग दे दी गई थी। आपको क्या मान के चलना है, आपको मान के चलना है पारेकर है इनका मेन बॉलर, ओ शर्मा इनका मेन बॉलर, एम सिंह इनका मेन बॉलर, पी यादव इनका मेन बॉलर, जो कि 8 ओवर की बॉलिंग कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो बच गए ओवर 2 ओवर, उनमें से ये तीनों में आपस में बांट सकते हैं, मतलब तीनों मिलकर इनमें से कोई 2 1 ओवर की बॉलिंग फेंक सकता है। मैक्सिमम चांस किसके हैं, तो मैक्सिमम चांस रहेंगे पी कोसी के, यहाँ पर की काम लेके। अब आइए समझते हैं टीम एंड कॉम्बिनेशन को। अब देखिए बात कर लेते हैं टीम एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो डी सिंह आपको देखने को मिलेंगे, भीम आई डी सेट्टी, जो कि बहुत नीचे खेल रहे हैं, स्टार्टिंग में ये ओपन भी किया करते थे बट अभी के लिए नीचे खेल रहे हैं, छोड़ दीजिए, उतने बेहतर ऑप्शन नहीं रहेंगे। डी सिंह आपके लिए बेहतरीन चॉइस रहेंगे। गनप्पा भाई साहब बहुत नीचे खेल रहा है, ना ग्रैंड लीग ना स्मॉल लीग, ड्रॉप कर दो। संदरवन बिल्कुल नीचे खेल रहा है, अपने टीम में ड्रॉप कर दीजिए। विकेट कीपर सेक्शन में आओगे मेरे भाई, पी जसपाल आपको ओपनिंग करेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करें, लगातार स्कोरिंग करें, अपने टीम में जरूर लीजिए। देखिए यहाँ पर ना एच मेधत की बात करें तो ये वन डाउन खेल रहा है, लेकिन आप देखोगे परफॉर्मेंस इसका बल्लेबाजी में कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला। एक मैच अच्छा खेला, बाकी पूरे मैच फ्लॉप। इसके बेस में अपने टीम में हम जगह नहीं दे सकते, अभी के लिए अपने टीम में ड्रॉप करना चाहूँगा, पी जसवाल को ले रहा हूँ। एस रामामूर्ति ये भी उतने सॉलिड बल्लेबाज नहीं है, जो कि आप अपनी टीम में रख लो और एक तरफा आपको 40 रन 50 रन की पारी खेल के दे दे, कभी ऐसा आपको बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलेगा। आप ये 4-5 मुकाबले देख लो, एक ही मुकाबले चले।
उतना बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों नहीं है। अगर देखोगे तो लोअर क्लास के बल्लेबाज हैं, मतलब वही 15 रन 16 रन इतना करते आपको दिखेंगे। लेना चाहो तो सबसे बेहतर रहेगा यहाँ पर रामामूर्ति, जो कि आप अपनी टीम में लेना चाहो तो इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो वन डाउन खेल रहा है, आप अपनी टीम में जगह दे सकते हो। नजर एक अपनी टीम में ड्रॉप कर देना, उतना कुछ खास नहीं रहेगा। कामले की बात करें तो एक आध ओवर की बॉलिंग को मिल जाती है तो ग्रैंड लीग की टीम में रोटेट करना, बाकी कोई अदर गोल ऑप्शन रहेगा नहीं। जीएल बना रहे हो ना, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे एमसीसी की टीम, तो आप अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, रह रहा है कि 15-16 की पारी खेल देता है। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में, एम साई बदरसी बहुत अच्छा बल्लेबाज, ओपनिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग कंफर्म रहती है, ले लीजिए पारकर, ओपनिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग कंफर्म रहती है। दोनों अलग अलग टीमों से कैप्टन सीबीसी वाले चॉइस रहेंगे। ओम शर्मा नंबर 5 पर बल्लेबाजी प्लस दो ओवर की बॉलिंग कंफर्म रहती है, बिल्कुल अपनी टीम में मेन प्लेयर है। बात कर लेते हैं एम सिंह के बारे में, तो सेम सिंह ओम शर्मा से थोड़ा सा कम बैटिंग करते हैं लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट टेक करें। इन चारों को अपनी टीम आपको लेके चलना है। नीचे देखोगे एक बॉलर दिखेगा आपको, ए हेमदेव। हेमदेव की बॉलिंग बहुत बेहतरीन है, अगर देखा जाए तो अगर ये पिच है आप देखोगे ना, जब इनकी ये बॉलिंग करते हैं यहाँ से तो भाई बॉलिंग इनकी ऐसे जाती है समझे, इस केसेस के अंदर में इनको विकेटें मिल जाती है। बहुत अच्छे बॉलर है, अपने टीम में जरूर लिया। एन पांड्या कभी कभार इनको बॉलिंग मिलती है, पार्ट टाइम ग्रुप में एक आध ओवर की बॉलिंग देते हैं, बट यहाँ पर बैटिंग भी उतनी कुछ खास नहीं किया, और बॉलिंग किया भी है तो फ्लॉफी रहा है, कुछ खास नहीं किया। बॉलिंग मिलने के चांस काफ़ी कम है, ड्रॉप करके चल रहा हूँ, अदर कोई गोल ऑप्शन रहेगा नहीं। पी कोसी कभी मिलती बॉलिंग लास्ट मुकाबले एक ओवर की, सॉरी लास्ट मुकाबले ना इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी, उससे पहले एक मैच में एक ओवर की बॉलिंग और एक मैच में दो ओवर की बॉलिंग दी गई थी। चांसेस बनते हैं बट इतने विकेट टेकर ये बॉलर नहीं है। इन सभी को अपने टीम में लीजिए। बॉलिंग में आते हो टी कन्हैया लाल, भाई कुछ रन भी कर लेता है बंदा, बॉलिंग से विकेट भी निकालता है, अपने टीम में जरूर लीजिए। पी यादव अपने टीम में होना चाहिए, विकेट टेकर बॉलर है, और पीआरबी की तरफ से आपको जो बॉलर देखेंगे बेहतरीन वो रहेंगे एम पुरोहित और डी सी, जो कि पूरे पूरे ओवर की बॉलिंग करने के चांसेस रखते हैं, इनको अपने टीम में लीजिए। ये हमारा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। देखिए टी कुमार उतना बेहतरीन बॉलर नहीं है, एक ओवर की बॉलिंग लास्ट मुकाबले मिली उससे पहले इसको बॉलिंग नहीं दी गई थी, और यहाँ पर बात करके भटनागर को तो ये भी उतना बेहतरीन बॉलर ये नहीं है जो आपको पूरे ओवर की बॉलिंग करे, एक ओवर की भी बॉलिंग उसको अभी नहीं मिलती है, लास्ट मुकाबले देखेंगे तो बॉलिंग इसने नहीं किया है। अगर बात करें यहाँ से देखो मिश्रित को ले लीजिए, चार आपके बेस्ट ऑप्शन होंगे। अगर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो किस पे ध्यान देना है, देखिए ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो आपने ध्यान देना है यहाँ पर एस रामामूर्ति पे, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है अपने टीम में रख लीजिए। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे पीआरबी की टीम तो आप इनको अपने टीम में रख सकते हो। अगर बात करें नीचे से देखो बेटी सेट्टी कभी कभार क्या ना ओपनिंग करने आता है, तो अगर ओपनिंग मेंशन होगा तो अपने टीम में हम जरूर लेंगे, बाकी कोई गुड ऑप्शन रहेगा नहीं। अभी के लिए मेरी टीम बनती इस प्रकार से, जहाँ पर विजित को लिया है। अब देखिए बात कर लेते हैं टीम की, तो मेरी टीम बनती इस प्रकार से, जहाँ पर कैप्टन सीबीसी की बात करें देखोगे आप तो कैप्टन सीबीसी के बेहतर चॉइस कौन रहेंगे, कैप्टन सी रहेगा एम साई बदर, सीबीसी रहेगा ए पारेकर, दो अच्छे ऑप्शन, आप इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन है। अदर गुड ऑप्शन कौन रहेगा तो ओ शर्मा आपके लिए तीसरा ऑप्शन, जो कैप्टन सीबीसी का बेहतर विकल्प रहेगा। चौथा ऑप्शन कौन रहेगा तो डी सिंह। अब देखो मैं ऐसा क्यों बताता हूँ, स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं आपको क्या करना है, एम साई बदरसी ए पारेकर कैप्टन सीबीसी कर लीजिए। ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो रिस्क ले सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं डी सिंह पे यहाँ पर ओ शर्मा पे, आप इन दोनों पे रिस्क लीजिए, ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन सीबीसी कर सकते हैं। तो ये मेरी हो गई सिर्फ डेमो टीम, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दिया है, तो जुड़ के रहना, फाइनल टीम आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको चीज़ें आई होंगी, सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बात करेंगे टीम की तो भाई टीम आपको मिलेगी सीधे टेलीग्राम चैनल पर, कमेंट में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।